हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं वन पे आता है पोको X4 Pro 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 695, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 108+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं पोको इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 21 अप्रैल 2022। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Xiaomi Redmi Note 12T 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V12, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 810, डिस्प्ले इसमें 6.52 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 64+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 16,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 अप्रैल 2022। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। पे आता है Oppo Find X5 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V12, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 888, डिस्प्ले इसमें 6.55 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 50+50+13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4800 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 50,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 50,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 अप्रैल 2022। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Realme C30। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, इसमें एंड्रॉइड का V11, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 700, डिस्प्ले इसमें 6.52 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 13,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 13,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं रियलमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 अप्रैल 2022। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Nokia G50 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 4GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 480, डिस्प्ले इसमें 6.82 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए।
हो सकता है मोबाइल इंडिया में 15,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं नोकिया इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अप्रैल 2022। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।